ये कल जो है एक घटना हुई सीलमपुर तिकोना पार्क में, जो ई ब्लॉक का तिकोना पार्क है, जिसमें एक अमन नाम के लड़के को पैर में गोली मारी गई और उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया और आज जो है फिर एक इन्फॉर्मेशन आई कि जो धर्मपुरा रेड लाइट के पास भी एक पार्क पड़ता है उस पे ये सस्पेक्ट जो हैं, जो कल के अली सस्पेक्ट हैं, वो आएंगे और उस पे हमने टीम लगाई। हेड कांस्टेबल नवनेश और कांस्टेबल मनीष वहां पहुंचे। पार्क के अंदर से जब ये अंदर जब वो सर्च कर रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने भी दो राउंड फायरिंग की, उधर से भी शायद तीन चार राउंड फायरिंग हुई है और उसमें एक सस्पेक्ट, एक जो उसके पैर में लगी है, मोहम्मद अदनान, करीबन 19-20 साल का है वो, उसके पैर में लगी है और उसको जेपीसी में दाखिल कराया है। अभी ये पता चला है प्रारंभिक जांच से कि मोहम्मद अदनान जो है वो एक अपने एरिया में दबंगी करता है और इससे पहले की इन्वॉल्वमेंट अभी हम चेक कर रहे हैं क्या इन्वॉल्वमेंट इसकी है, लेकिन अभी इसके बारे में फर्दर जांच चल रही है। थैंक यू।